नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि जो कि नेचुरल एपेटाइज़र है, लैक्सेटिव है, डाइजेशन के लिए बहुत ही रामबाण दवा है, और कफ की प्रॉब्लम हो या स्टमक इच की प्रॉब्लम हो, दोनों को ये पूरी तरह से कंट्रोल करता है और ठीक करता है। लीवर फंक्शन को ये पूरी तरह से ठीक करता है। बच्चों के डाइजेशन के लिए बहुत ही कारगर दवा है, और कॉन्स्टिपेशन इनडाइजेशन के प्रॉब्लम को ये झट से दूर भगाता है। दोस्तों, आपने नाम भी सुना होगा, दक्ष कुमारी, एक आयुर्वेदिक औषधि जो कई सालों से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसके अंदर दोस्तों एलोवेरा होता है, फिर द्रक्ष अर्थात ग्रेप्स, उसके बाद हरित की, चवक, चित्रक और दालचीनी होती है। दोस्तों, इनसे मिला के ये आयुर्वेदिक औषधि बनाई जाती है। फर्मेंटेड लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्तों, जो कि लीवर फंक्शन को ठीक करता है। यह दवा दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है, नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही लो कॉस्ट दवा है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसको आपको एक से चार चम्मच आप ले सकते हैं ट्वाइस अ डे। दोस्तों, आपके घर में किसी को भी, आपके घर में बड़े बुजुर्ग बच्चों को अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, या भूख ना लगती हो, स्टमकेच हो, कॉन्स्टिपेशन हो, वो भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप दक्ष कुमारी का सेवन करें। यह दवा आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगी या आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगी। यह आपको तुरंत लाभ पहुंचाएगी दोस्तों, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप अपने आयुर्वेदाचार्य या किसी डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, उसके डोसेज को लेकर के, या उसके साथ किसी और एडिटिव को लेना है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।